please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फोटोज को कोलैज करते, यानी कि किस तरीके से इमेज को कोलैज इफेक्ट क्रिएट करते, सब कुछ प्रोसेस आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, अंत तक मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 2019 है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है भी, तो आप इजीली यहाँ पर इमेज का कोलैज क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पेज का साइज क्रिएट करना है, उसके लिए आपको जाना है दोस्तों लेआउट के अंदर। यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको साइज के अंदर क्लिक करते हैं, आपको A4 साइज क्रिएट करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको A4 साइज के अंदर कोलैज इफेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। अगर आपको दोस्तों किसी भी साइज के अंदर भी आप यहाँ पर कोलैज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए जैसे कि 8x10, जैसे कि 12x18 इंचेस का, जैसे कि 24x18 इंचेस, जैसे कि 18x36 इंचेस, आप इस तरीके का साइज वगैरह लेकर भी आप यहां पर कोलैज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं दोस्तों आप लोगों को जस्ट सिखाने के लिए, समझाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी फोटोशॉप का जैसा ही यहां पर कोलैज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जस्ट इस तरीके से एग्जांपल के लिए आपको समझाने जा रहा हूं। तो आपको यहां पर A4 साइज के अंदर क्लिक करना है, उसके बाद आपको मार्जिन से ऊपर में क्लिक करते हुए नैरो के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पेज रेडी होकर आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पीच कलर देना है। तो आपको बॉर्डर जैसा एक लुक निकालने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर एक पीच कलर दे रहा हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है लेआउट के ऊपर में, डिजाइन के ऊपर में क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो डिजाइन के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों जाना है पीच कलर के ऊपर में। आपको जो कलर ऑप्शन पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों ये वाला कलर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो ये वाला कलर मैंने फिल किया है, ये वाला थोड़ा सा ब्लू ग्रे वाले कलर, और इसको सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से कलर इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर 3, 3 और 7, यानी कि 3, 3 और 1 को यहाँ पर एक यहाँ पर कोलैज इफेक्ट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए शेप्स, और दोस्तों यहाँ पर आपको रेक्टेंगल शेप सेट के अंदर आप चाहे तो राउंड रेक्टेंगल के ऊपर में भी कोलैज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। आप लोग देख सकते हो ड्रॉ करने के बाद इसको आपको व्हाइट कलर फिलअप कर देना है। तो सबसे पहले इस तरीके से आपको थोड़ा सा इफेक्ट क्रिएट करते हुए इस तरीके से आपको मैनेज करना है। उसके बाद आपको अलाइनमेंट सेंटर और दोस्तों मिडल कर देना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा तरीके से ये यहाँ पर एक इमेजेस क्रिएट हो चुकी है, यानी कि एक शेप क्रिएट हो चुकी है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर इसी शेप्स को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ से आपको साइज वगैरह कम करते हुए इस तरीके से थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ करते हुए इस तरीके से मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों ये वाला को आपको शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से कम करना है, इसी को कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करना है, फिर से कंट्रोल और शिफ्ट। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से साइज खाली होकर आया। जस्ट इसको डिलीट करना है, इसको भी डिलीट करना है, आपको थोड़ा सा और साइज बड़ा कर देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करना है, और कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए इस तरीके से प्लेसमेंट करना है। थोड़ा सा और आपको यहाँ पर मैनेज करना है, इसको इस तरीके से राइट की तरफ रखते हुए इसको राइट की तरफ रखते हुए इस तरीके से मैनेज करना है। दोस्तों देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर फोटोज़ जैसा फ्रेम तैयार होकर आ रहा है। जस्ट आपको इसको तीनों को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना है दोस्तों, और कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको कॉपी करते हुए यहाँ पर आपको प्लेसमेंट करना है। जस्ट आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखते हुए मैनेज करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रेम जैसा लुक निकाल चुका हूँ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और अब आपको यहाँ पर जो भी आपके पास इमेजेस से वो फटाक से इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहले ये वाला को मैं यहाँ पर ये वाला के अंदर पिक्चर सेट करना चाहूँगा। उसके लिए फॉर्मेट और आपको दोस्तों सेव फिल, आपको दोस्तों यहाँ पर आना है पिक्चर्स के ऊपर में, सेव फिल फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए सेव फिल के ऊपर में आकर पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों फ्रॉम फाइल के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसके बाद दोस्तों मैंने डेस्कटॉप के ऊपर में कुछ इमेजेस गूगल से डाउनलोड करके रखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटोज़ बोलकर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर एक फैमिली इमेजेस अप्लाई करना चाहूँगा, ये वाला। जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट करूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है ये वाला इमेजेस। और उसके बाद इस इमेजेस आप लोग देख सकते हो ध्यान से यहाँ पर कुछ फीका फीका जैसा इमेजेस के अंदर लुक आ रहा है दोस्तों। तो उसको इसको ठीक करने के लिए जस्ट आपको फॉर्मेट पिक्चर्स टूल्स आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दो फॉर्मेट है, एक ड्राइंग फॉर्मेट एक पिक्चर्स टूल। तो आपको दोस्तों पिक्चर्स टूल का फॉर्मेट के ऊपर में क्लिक करते हुए आपको जाना है दोस्तों क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर में। ध्यान से देखिए क्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर में जाने के बाद आपको यहाँ पर
फिट के ऊपर में क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हो जस्ट आपको यहाँ पर फिट के ऊपर में क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए और आपको यहाँ पर कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर की तरफ प्लेसमेंट करते हुए आपको इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ प्लेसमेंट करते हुए इस तरीके से मैनेज करना है। थोड़ा सा आपको इसको मैनेज करते हुए इस तरीके से अप्लाई कर देना है। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कितना प्यारा तरीके से ये इमेजेस सेट हो चुका है। अब आपको इसको फिर से फॉर्मेट क्रॉप के ऊपर में क्लिक करते हुए थोड़ा सा आपको इधर उधर करने के लिए आपको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत वाले बात नहीं। उसके बाद दोस्तों इस वाले फ्रेम के ऊपर में भी क्लिक करते हुए फॉर्मेट सेम प्रोसेस सेव फिल पिक्सल्स। उसके बाद दोस्तों आपको फ्रॉम फाइल और आपके पास जो भी इमेजेस से वो सब कुछ इमेजेस यूज कर सकते हो। जस्ट मैं ये वाला इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली सेट ही हो चुका है। और उसके बाद आप लोग इसके ऊपर में क्लिक करते हुए फॉर्मेट और फिर से सेव फिल पिक्चर्स, उसके बाद फ्रॉम फाइल आपको जो इमेजेस पसंद है जस्ट ये वाला इंसर्ट करूंगा। आप लोग देख सकते हैं ये वाला भी यहाँ पर सेट होकर आ चुका है। जस्ट मैं इसको रिमूव करूंगा और दूसरा इमेजेस यहाँ पर यूज करूंगा फ्रॉम फाइल। और दोस्तों इस टाइम में ये वाला इमेजेस यूज करूंगा सिंगल वाले और इसको क्लिक करते हुए सेव फिल फॉर पिक्चर्स। फिर से आपको जो भी इमेजेस अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट ये वाला इंसर्ट करूंगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी सेट हो चुका है। आप शायद इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए जस्ट फॉर्मेट क्रॉप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूंगा ताकि यहाँ पर इजीली सेट होकर दिख जाए। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ भी अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं फॉर्मेट फिर से सेव फिल पिक्चर्स और दोस्तों यहाँ पर आपको और एक इमेजेस इंसर्ट करना है। जस्ट ये वाला इंसर्ट करूंगा और इसको भी यहाँ से फॉर्मेट क्रॉप थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए फॉर्मेट सेव फिल पिक्चर्स, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम फाइल के ऊपर में क्लिक करते फिर एक इमेजेस ये वाला इंसर्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पर फॉर्मेट क्रॉप के ऊपर में क्लिक करते थोड़ा सा क्रॉप करते हुए थोड़ा सा ऊपर करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर में भी क्लिक करते हैं सेम प्रोसेस फॉर्मेट सेव फिल और दोस्तों आपको यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए यहाँ पर फ्रॉम फाइल और आपको जो इमेजेस पसंद है जस्ट इसको सेलेक्ट करते हुए इंसर्ट कर दूंगा और इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए जस्ट फॉर्मेट क्रॉप फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद दोस्तों कंट्रोल और शिफ्ट ऑन करते हुए थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर कम्प्लीटली फोटोज़ का कोलैज हो चुका है। जस्ट आपको अब आपको थोड़ा थोड़ा आपको ठीक ठाक नहीं लग रहा है तो इसको आपको आउटलाइन वगैरह भी यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। जस्ट इस तरीके से आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पर सेट करते हुए आउटलाइन का कलर आप लोग व्हाइट दे सकते हो। इस तरीके से आपको दोस्तों व्हाइट कलर व्हाइट मैंने कितना दिया है 3 PT के आसपास, जस्ट इसको क्लिक करते हुए व्हाइट यहाँ से आपको 3 PT कर देना है। जस्ट इस तरीके से सभी के ऊपर में भी व्हाइट 3 PT, इस तरीके से सभी को 3 PT कर सकते हो। जस्ट इस तरीके से व्हाइट आपको भी यहाँ पर 3 PT इस तरीके से कर सकते हो। इसको भी क्लिक करते हुए व्हाइट 3 PT यहाँ से दोस्तों देख सकते हो सभी के ऊपर में मैं यहाँ पर व्हाइट 3 PT कर रहा हूँ, बॉर्डर का व्हाइट इस तरीके से सभी के ऊपर में यहाँ पर मैं 3 PT और दोस्तों यहाँ पर व्हाइट कलर कुछ इस तरीके से। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा तरीके से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर में फोटोज कोलैज करके आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। 7 फोटो कोलैज करके मैंने इस तरीके से दिखा चुका हूँ। आने वाले टाइम में दोस्तों और भी फोटोज कोलैज के ऊपर में वीडियो देकर आऊंगा, अच्छा अच्छा कोलैज करके आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसे लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।